सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो मैं कहाँ पे हूँ। अभी मैं खेत साइड में हूँ, गांव के इधर। तो काफी मजा आने वाला है आज का व्लॉग। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस करेंगे, नदी के इधर भी जाएंगे, जो भी सीनों का आपको बताएंगे। मजिया और उधर सब पब्लिक फैमिली मेंबर्स जिनको मैं आप बता नहीं सकता, आपको मतलब। ठीक है, अभी अंदर चलते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? अदनान, नेचर वाइज में खून दाई। चलो दाई पास, चलो लेट्स गो। अदनान हाय तो कर दे एक बार, से हाय। हाय, देखो आपको हाय कर रहा है गाइस। चल अबे, चलो फास्ट। दाई दाई देखेंगे हम, दाई दाई। अदनान गाय का है, गाय गाय। बस बस, ज्यादा पास नहीं जाना, ज्यादा पास नहीं जाना, परेशान नहीं करना गाय को। फास्ट फास्ट जल्दी। अबे मत रस्सी को मत कर उंगली उसकी, मत परेशान मत कर आलिया। देखो भाई, सुनती नहीं एक आवाज मेरी है। मत खान दे उसको। ओ तू कहाँ जा रही है? कहाँ अपन किधर? चलो ठीक है गाइस, एक बार आप यहाँ का व्यू चेक करो, यहाँ से भी क्या व्यू आ रहा है एक बार चेक करो आप। सामने का क्या लुक लगता है भाई, क्या व्यू ये सामने का। पेड़ के नीचे आराम से बैठो, क्या मजा आता है भाई यहाँ की। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। गाइज आप लोग तो देख ही देते कि गाय की रस्सी खींच रही थी, तो अभी इस आलिया को गाय उड़ाई देती ऑलमोस्ट। क्यों परेशान करना, देख फिर वो गाय आएगी। फिर मैं वीडियो नहीं बना पाया गाइज, बिकॉज ये गाय पीछे पड़ गई थी इनके। मालूम ये रस्सी से उंगली कर रहे हैं ना उसकी, बेचारी शांति से आराम से चल रही है। उसको खान दो, उसको पाला जो भी खा रही है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करने का गाय को। चलो बेटा जाओ, मामा आवाज जाओ। ए उधर किधर जा रहा है अदनान? चलो चलो चलो, देखो देख देख, हाँ हाँ वो सामने नदी का धड़ है। आपको मालूम अभी गाय इन दोनों को मारती थी, ये रस्सी खींच रहे थे और गाय ने फिर सिंह यहाँ तक आ गई थी गाय मारने के लिए। अबे देखो भाई देखो, यहाँ से गिर जाएगा यार अदनान, मस्ती बहुत करता है ये। देखो इनकी रील्स भी चल हो गई, देखो गाइस रील्स भी चल हो गई। इन लेडीज लोगों का ऐसे ही है, ये सारी बहनों का यही काम है बस, इसी जगह दिख जाएंगे और चल हो जाएंगे। अभी आपको बोल रहा हूँ देखो, बट मैं चेहरा तो बता नहीं सकता इसलिए ब्लर है, ठीक है प्राइवेसी। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ नदी देखने के लिए, इधर पास में एक नदी है तो वो देखने चलते और आप लोगों को भी दिखाते, तो वीडियो में बने रहो, लेट्स गो। गाइज देख लो अभी मेरी बहनें ने सब वहीं पर ही जा रहे, तो अपन भी चलते हैं। तो देखो यार सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है, पेड़ कितना अच्छा है, ऐसा लगता है यहाँ पर बैठ के पार्टी करो भाई, है कि नहीं? तो ठीक है यार अभी चलते हैं। चलो तो भाई रास्ते उबड़ खाबड़ है, एंड एंड क्या भाई, और कुछ नहीं, चलो बस और कुछ ना। अभी देखो यार इधर चलो यार, चलना बेन। ओ वाओ गाइस ध्यान से देखो, आप लोगों को दिख रही कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट इसमें मछली कितनी सारी छोटी छोटी दिख रही है आपको, कितनी अच्छी लग रही है यार। इससे याद आता है गाइस एक बात बताओ ना, तो यहाँ से निकलते
जब मैं छोटा था ना, आज से करीबन 5-6 साल पहले की बात है, ये ऐसी जो पानी में मछलियाँ है ना, इनको पकड़ता था मैं भाई, समझ रहे हो, इन मछलियों को पकड़ता था 2-3 घंटे स्ट्रगल करके और पालता था मैं भाई। अलग ही शौक थे बचपन के, 5-6 साल पहले की बात है, ठीक है, छोटी छोटी मछली पकड़ता था, इन अलग ही नहीं मतलब चोचले करता था, पकड़ के डब्बे में पैक करके मतलब पालता था ने। आई होप आप भी रिलेट कर रहे हो गए बॉस से, और अलग ही मजा आता था उससे भाई। ठीक है, तो गाइस पहुंच चुके हैं, तो भाई हम नहाने में कितना मजा आएगा। एक बात बताओ ना गाइस, तो मेरे को भाई तैरना भी नहीं आता है, लिटरली गाइस तैरना तक नहीं आता है मेरे को, आप लोग हंस रहे होगे बट सच है भाई, क्योंकि यार मैं इनको देख रहा, एक बार देखो सही भाई कितना मजा आता है यार, मेरे को देख के तो ऐसा लग रहा है अगर मेरे दोस्त लोग होते ना तो भाई बिल्कुल नहाते, अगर उंदा नहीं होता तो यहाँ पे पहुंच चुके भाई। तो ठीक है गाइस, अब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत घूम लिया, देख लिया जो भी सीन था, ठीक है आपको भी दिखा दिया है। देख के तो ऐसा लग रहा था कि यार वहीं पर ही बैठ के मतलब नहाने का मन कर रहा था ऐसा, कि मतलब अगर 5-6 दोस्त हो ना, 3-4 दोस्त भी हो तो नहा लेते भाई हम, बट अकेला तो नहा नहीं सकते, यहाँ पे तैरना नहीं आता, पानी उंदा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि नहा लेते, बट कैसे नहाए भाई, होना भी तो चाहिए, फ्रेंड्स लोग होते जरूर नहाता था, फिर कोई ना, अभी तो क्या निकल चुके अपन यहाँ पे, एंड फिर से यही पार करने में। अरे नहीं नहीं पकड़ी, ये नहीं पकड़ा, पानी बहुत गंदा लग रहा है, चलो फटाफट फटाफट भाई। मैं सोच रहा कि मोबाइल को पानी में डुबा के एक ऐसा सूट लूँ अच्छा खासा, सोच रहा हूँ पानी में मोबाइल को डुबाऊंगा तो अच्छा सीन आएगा नीचे का मछलियों का, बट मेरा मोबाइल वाटर प्रूफ नहीं है बट वाटर रजिस्टर्ड है, एक बार ट्राई करते, आप लोगों के लिए मैं पानी में डुबा रहा हूँ भाई, मजाक नहीं करता बट हाँ डुबा रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं वीडियो ऑन है कि नहीं, मैंने मोबाइल डुबा के निकाल लिया, आई होप चल रहा होगा बिकॉज वाटर रजिस्टर वाला समझते होती। तो ठीक है, अभी इसको मोबाइल को साफ वाफ करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने पानी के अंदर मोबाइल डुबाया था और उससे बहुत अच्छा सीन भी आया था, आपने देखा था, लेकिन वो जो सीन है ना जो थोड़ा सा लिया था मैंने, वो बहुत भारी पड़ चुका है मेरे लिए, क्योंकि मेरे मोबाइल के कैमरे में पानी घुस चुका है, फ्रंट कैमरे में आप देख सकते हो, ये स्क्रीन फोटो लगा रहा हूँ मैं, घुस चुका है पानी, अब मैं क्या करूँ, तो यार थोड़ा सा टेंशन में हूँ, और इसमें मेरी ही गलती है, पूरी 100% मेरी ही गलती है इसमें, मैंने डोफाई के अंदर, डोफाई तो क्या यार मुझे अच्छा शूट करना था तो मैंने डाल दिया था, तो पानी घुस चुका है, एंड मैंने काफ़ी वीडियोस देखी तो उससे मालूम पड़ा है मुझे कि अपने आप चला जाता है पानी, मैंने बहुत सी वीडियो देखी उसमें बताया अपने आप चला जाता है, तो अभी 2-3 दिन तक का मैं वेट करने वाला हूँ, और आई होप अपने आप चले जाएगा मेरा कैमरे से, और अभी ब्लॉग्स तो आएंगे इसी अगले, तो उसमें आपको बता दूंगा मेरे कैमरे में से पानी गया कि नहीं गया, बाकी आपको मैं अभी शूट करके बताता हूँ एक सेकंड। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ब्लर ब्लर, ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हो पूरा पानी घुस चुका है, कैसा हो चुका है एकदम ब्लर ब्लर, तो ये पानी घुस चुका है उसकी वजह से हो चुका है, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ ऐसा दिख रहा है आप देख सकते हो, और ये वीडियो मैं बैक कैमरे से बना रहा हूँ जो क्लियर है, कुछ भी नहीं हुआ यार, मैंने बहुत बार पानी में डाला है उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मोबाइल वाटर रजिस्टर्ड है, जिससे अपने पानी में डालेंगे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत चलता है इसलिए मैंने डाल दिया, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि पानी कैमरे के अंदर घुस जाएगा, अभी घुस चुका है तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते, तो अब क्या करें, इसको मैं इग्नोर ही करूंगा कुछ दिन तक, और अगर थोड़े दिन तक मैं नहीं गया तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे अपन इस पर, ठीक है बाकी अभी चलने देंगे, और अभी जो भी आगे का सीन होगा देखते, अभी भुट्टा खाने चलते, इससे थोड़ा बाहर निकलता है, इसमें सोचूंगा तो फिर समझ रहे हो ना, नहीं सोचना ही नहीं भाई, इसको इग्नोर करूंगा कुछ दिन तक, उसके बाद जो भी होना होगा होएगा, और प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ कि इसका क्या उपाय है, देसी बताना मतलब जुगाड़ बताना, यूँ नहीं कि भाई सर्विस सेंटर जाओ खुलवाओ, ये नहीं करना है मेरे को, कुछ ऐसा बताओ जिससे बिना खुले हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट करना, बाकी अभी भुट्टा उट्टा खाते यार, अभी खा रहे अपन भुट्टा जो भी बहुत सही है, तो आपने देखा है गाँव के भुट्टे वाकई में सही होते हैं, जिस तरीके से गाँव में एकदम जला जुलू के एकदम करते इसको सेकते जो भी सही है, बहुत सही लग रहा,
हवा भी अच्छी चल रही है, ठीक है इसको मैं फिनिश करता हूँ फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं गांव से और अब हम जा रहे हैं हमारे घर की ओर, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।